अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम शेफ। मेरा चैनल है मरियम किचन 786। आज हम बनाएंगे भरे हुए बैंगन। ये देखिए हमारे जो बैंगन है ये आधा किलो है, एक पाव हमारे आलू है, एक पाव प्याज है, एक पाव टमाटर है। जो अभी हम इनको तैयार करेंगे, कटिंग करेंगे, तो ये बनते कैसे हैं। ठीक है, आपने जो टमाटर है इस तरह के कटिंग करने हैं, चॉप करने हैं बल्कि। ये देख लें, ये देखें आलूओं की कटिंग। आलू इस तरह हमने काटने स्लाइसेस में, जैसे हम आलूओं की चिप्स तैयार करते हैं। ये देखें फिंगर की तरह हो बिल्कुल। ये देखें ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों। ये देखें हमने आलू इस तरह काट लिए फिंगर की। अब हम प्याज की कटिंग करेंगे। प्याज अच्छी तरह से आपने उसका हार्ड वाला छिलका ऊपर से उतार देना। ठीक है, ये अब हमारा जो प्याज है वो कटिंग हो चुका है। अब हम बैंगन काटेंगे। ये हमारे पास बैंगन है। बैंगन हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ के लेने, छोटे से छोटा साइज़ मिल जाए, मगर बाजार में आज मार्केट में नहीं थे छोटे साइज़ के, वरना ये साइज़ हमारा होना चाहिए बैंगन का। इसमें हमने इस तरह से कट्स लगाने। ये देखें, ये इस तरह से हमें कट्स लगाने। ये देखें बिल्कुल, और इसको हमें पानी में रखना वरना ये काले हो जाएंगे। ये देखें हमने बैंगनों को ऐसे काट लिए। ये देखें ज़रा गौर करना कि कहीं बीच में ना कोई गंदे निकल ना आए बैंगन वगैरह, सुंडी वगैरह ना इसमें। अच्छी तरह से चेक कर लेना आपने। ठीक है, अब हम करेंगे। अब हमने बैंगनों में जो मसाला भरना है वो ये देखें, आधा चम्मच हमारा चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, चार हमारे बैंगन, इसलिए हमने बड़े हिसाब से इसका मसाला बनाना है। आधी चम्मच छोटी ली हमने दड़ा मिर्च की, और मिर्च पाउडर है आधा, ये गरम मसाला है आधा चम्मच, और ये हमारी हल्दी है, और दूसरा नमक हम हिसाब से डालेंगे। जो ज़्यादा खाते हैं उसी के हिसाब से, जो लोग कम खाते हैं अपने हिसाब से डालें बस। ये अब हमने इन सबको मिक्स कर लेना। ये देखें इस तरह हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। ये देखें अब हमने ना बैंगनों को अच्छी तरह से धोकर निचोड़ लिया। अब इसमें जैसे जैसे खोलते जाना आपने इसको, और ये इसको अच्छी तरह से इसको ये भर देना हमने। इसमें नमक मिर्च हमने अपने बड़े हिसाब से रखनी है, क्योंकि बाद में हमने इसका मसाला भी तैयार करना, उसमें भी नमक मिर्च सब आएगी। ये हमने ऐसे इसको अच्छी तरह से लगा के हमने रख लेना। इसी तरह सारे बैंगन हमने कर लेने हैं। ये देखें खोल खोल के ना अच्छी तरह से। बहुत लोग अनारदाना भी डालते हैं, आमचूर भी डालते हैं, वो आप पे डिपेंड है, जैसे आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जितना भी हमने मसाला बनाया था सारा बैंगन के अंदर चला गया है। देखें ये माशाल्लाह से आज पांचवा रोज़ा है, ये बहुत ठंडे जा रहे हैं, ये आप खा सकते हैं रोज़े में बना के, टेस्ट अच्छा लगेगा आपको। आप ये सब्ज़ मिर्च काट रहे हैं इस तरह आपने बारीक बारीक काटनी, ये हमारे मसाले में जाएगी। ये देखें दो मिर्चें काटनी आपने, ये दो हमारी सब्ज़ मिर्च कट गई है, और दो हम इसमें साबुत डालेंगे। ये दो हमारी साबुत मिर्ची हैं, आपने इसकी डंडी नहीं उतारनी, बस आपने ऐसे रखना है इसे। अब हम शुरू करते हैं। ये हमने तकरीबन थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, क्यों हमने इसको फ्राई करना है। ये हमारा एक कप ऑयल है, हमने फ्लेम को ऑन किया। अब जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें बैंगन फ्राई करेंगे।
अब ये देखें हमारा जो ऑयल है काफी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बैंगन रखेंगे। ये देखें ये हमारे बैंगन, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, बस इसीलिए नॉन स्टिक के बर्तन में नहीं दिया आप लोगों को। घर में नॉन स्टिक का बर्तन तो कोई मसला नहीं, आपने इसको बस हल्का हल्का ऐसे करना है, तेज आंच नहीं करनी, बस 4 से 5 मिनट हमने फ्राई करना है इसको। अब हमारा 1 मिनट हो गया, अब हमने इसको ज़रा चेंज करना है इसको ताकि दूसरी साइड भी इसकी पक सके। देखो ज़्यादा नहीं आपने करना, क्या करना ये देखिए, अभी हमें एक साइड से काफ़ी पक चुके हैं, अब दूसरी साइड से हमने इसको रखा हुआ है। अभी ये देखें हमारा दूसरी साइड से भी हमारे जो बैंगन है ना वो पक चुके हैं माशाल्लाह से। अभी हमने इसको ज़रा चेंज किया है, देखें ज़रा अभी एक मिनट हमने इसको अभी और पकाना है। ये हमारे 5 से 6 मिनट लगे हैं फ्राई करने में, अभी हमने इसको निकाल लेना है अच्छी तरह से ना। ये देखें इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना क्योंकि बाद में हमने इसे ग्रेवी में भी डालकर पकाना है। ये देखें वरना ये फूल जाएंगे सारे, इसकी शक्ल बरकरार रहे, ये टूटने ना पाए। ठीक है अभी हम इसी ऑयल में हम डालेंगे प्याज। ये प्याज हमारा जैसे ब्राउन होगा फिर इसमें बाकी हम टमाटर सब्ज़ मिर्च जिसमें मसाला ज़्यादा डालेंगे। अब हमारी ना गैस का फ्लेम बहुत कम आ रहा है वरना ये फौरन से झटपट तैयार होने वाली है बैंगन हमारे। अभी ये देखें हमारे जो प्याज है ना काफ़ी हद तक हल्का ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे आलू कुछ हमने फिंगर चिप्स की तरह काटे हुए, ये भी इनके साथ ही फ्राई हो जाएंगे। फ्राई हो रहे हैं उसके बाद हम बाकी मसाले डालेंगे, टमाटर डालेंगे, सब्ज़ मिर्च सब डालेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन भी दबाना आपने।